अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। अभी जस्ट मैं बहुत सारी वीडियोस बैठ कर रिकॉर्ड कर रही थी, एंड यार प्लीज़ आप लोग माइंड ना किया करो, जो लोग मुझे धमकियाँ भी दे देते हो, मत डराया करो यार। मुझे डर लग जाता है कई दफ़ा, आप लोग इतना रूडली बोल देते हो कि हमारी वीडियो पर रिएक्शन नहीं किया, हमारी पे नहीं किया। तो देखो ऐसा होता है, एक एक बंदे की पाँच पाँच छः छः वीडियो की सजेशन होती है, मैं एक अकेली सब कुछ खुद मैनेज करती हूँ। मेरा एक और चैनल है, इंस्टाग्राम है, वो भी मुझे खुद हैंडल करना होता है, मेरी कोई टीम नहीं है, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत लगता है, एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, और भी मुझे इसके अलावा भी मेरे सेल्फ़ भी बहुत सारे काम है जो मैं यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। तो एक चीज़ और, जो लोग बोलते हैं ना कि यार आपने उनकी वीडियो पर रिएक्शन कर दिया, हमारी पे नहीं किया, हम कब से वेट कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मेरी यूट्यूब से ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर आप लोग वेट करते रहते हो ना, फिर मुझे आप बोलते हो कि आपने क्यों नहीं किया रिएक्शन, तो समझ जाया करो कि अगर बहुत लंबे टाइम तक आपकी किसी वीडियो पे रिएक्शन नहीं आ रहा, तो समझ जाओ कि मुझे उस वीडियो को यूज़ करने की परमिशन नहीं मिल पा रही है, यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। एंड मैं चैनल के साथ तो रिस्क नहीं ले सकती ना, अगर स्ट्राइक आ गया तो मेरा चैनल बंद हो जाना है, ठीक है, चैनल की वॉट लग जानी है। जिन लोगों की रिक्वेस्ट नहीं हो पाती है, तो समझा करो वो वीडियो मैं यूज़ नहीं कर सकती। मुझे क्लियर, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अली रिजवान, उन्होंने एक वीडियो के लिए सजेस्ट किया है, अभी जस्ट मुझे इनका कॉमेंट मिला है, ट्रिब्यूट टू इमरान खान, लड़ो मुझे अनप्लग, ट्रिब्यूट टू कैप्टन स्ट्रगल, ओके ब्यूटीफुल सॉन्ग, प्लीज़ डोंट मिस, ओके। सो हम ये सॉन्ग देखते हैं, इसमें कैप्टन इमरान खान सर को ट्रिब्यूट दिया गया होगा, और ये सॉन्ग जो मैंने सर्च किया है, इसका टाइटल है लड़ो मुझे अनप्लग, ट्रिब्यूट टू कैप्टन स्ट्रगल, उनका पूरा स्ट्रगल दिखाया गया होगा। 2 वीक पहले का ये वीडियो है, चैनल का नेम है बलाल खान, एंड आई थिंक ये सिंगर भी खुद ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखना बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। मुस्कुराता रहता दुनिया से कहता मिल जाएंगे मुझको ख्वाब, ये बहुत अर्ली एज का है ना इनके, दिल को जिंदा रखता खुशियों से भरता इतना तो है खुद पे यकीन, ओ उड़ता हुआ तारा ऊंचा सा एक नारा उछती हुई बस्ती में घूमता वारा, हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीद क्यों मेरी, आओ ना कहो मुझे आओ ना लड़ो मुझे मेरे दिल में देखो आ, मुझको दिखता अपना हा तुमको लगता हूँ मैं क्या, आओ ना ब्यूटीफुल वॉइस है दुआओं में हाथ सर पे मेरे बस है कम, आओ ना लड़ो मुझे, सारी बातें सुन बैठा जो कहना था कह दिया, लफ्जों से डरता था शिकवा खुद से कुछ नहीं लगता मुझको सब सही इतना तो है खुद पे यकीन, ओ उड़ता हुआ तारा ऊंचा सा एक नारा बुझती हुई बस्ती में घूमता वारा, हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए वो मिट चुकी उम्मीद क्यों मेरी, आओ ना कहो मुझे आओ ना लड़ो मुझे मेरे दिल में देखो आ, मुझको दिखता अपना हा तुमको लगता हूँ मैं क्या, आओ ना है सर पे मेरे बस है कम, आओ ना लड़ो मुझे, कागज की कश्ती पे लहरों की मस्ती में तूफानों से रुक ना पाया मैं, दामन से लिपटे कांटे फिर भी दिल ने तो
दुख ना बांटे, हंसता खिलता चलता आया मैं। ओ देखो मैं बन जा रहा हूँ मर्जी का तारा, बुझती हुई बस्ती में घूमता वारा। हिम्मत तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीद क्यों मेरी। आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे, मेरे दिल में देखो आ। मुझको दिखता अपना हा, तुमको लगता हूं मैं क्या। आओ ना है दुआओं में हाथ, सर पे मेरे बस है कम। आओ ना लड़ो मुझे। ये फिनिश हो गया है। जो आवाज थी ना ऐसी थी, मतलब मन नहीं कर रहा था कि किसी भी एक लेवल पर जाकर ये सॉन्ग रुके, बिकॉज़ बहुत ही सुकून दे जाने वाली आवाज़ थी, बहुत ही प्यारी आवाज़, मेलोडियस वॉइस जैसे बोलते हैं। बहुत ही स्मूथली इन्होंने पूरा का पूरा ये ट्रैक पूरा जो गाया है ना, और जो डेडिकेट किया है, ट्रिब्यूट दिया गया है इमरान खान सर को, उनका यू नो अर्ली एज की जितनी पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, क्लिप्स मैंने शायद पहली बार इस वीडियो में देखी, क्योंकि इससे पहले मैंने उनको अर्ली एज में इतने क्लिप्स मैंने उनके नहीं देखे। कहीं एक आधा कुछ आ गया सीन, बात अलग है, यहाँ देखा। अच्छे खासी हैंडसम पर्सनालिटी रहे हैं वो अपने टाइम पर, आज भी वो बहुत मतलब हैंडसम और काफ़ी यंग लगते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, बट जो अर्ली एज में थे तो सच में मुझे लगता है हज़ारों लड़कियों का वो क्रश रहे होंगे अपने टाइम पर, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा हैंडसम है। देखो अलग सा डिफरेंट सा उनका लुक है, उनकी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट है, हाइट एंड ऑल माशाल्लाह अमेजिंग। इसमें ना खान साहब की पूरी जर्नी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, जहाँ से वो आए थे, तो बिल्कुल वहाँ से उनकी जर्नी जो है एक्सप्लेन की है। इस चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इतने सारे वीडियोज़ मैंने देख लिए हैं, आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, मैं इंडियन हूँ, बट जो इमरान खान सर के लिए जो उनकी कंट्री के पाकिस्तान के लोग जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं ना डे बाय डे, सीरियसली मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है वहाँ के लोगों के लिए भी एंड खान साहब के लिए भी, जो कि पहले मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थी इन चीज़ों से। मींस वो पर्सनालिटी ऐसे हैं कि वो फॉरेनर्स के आगे, मींस इम्पोर्टेड हुकूमत, समझ गए होंगे ना आप लोग, झुकने को तैयार नहीं। इट्स नॉट अ सॉन्ग, ये पूरा उनका जर्नी था, ट्रिब्यूट उनको दिया गया था और फुल ऑफ इमोशंस के साथ था ये पूरा सॉन्ग। मींस परफेक्टली डिस्क्राइब किया गया है एक लीडर की जर्नी को इसके अंदर, को मतलब एक हंसता मुस्कुराता हुआ इंसान किस तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया, सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। ये ओरिजिनल वीडियो जो है इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप लोग चेकआउट ज़रूर करना, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, मींस मेरी वीडियो को भी प्लस जो ओरिजिनल वीडियो है उनको भी। मुझे इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।